लेट्स डिस्कस कोयागुलेशन ऑफ लाइओफिलिक सोल्स। अब लाइओफिलिक सोल में इंटरैक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम इज ग्रेटर। अब इसके स्टेबिलिटी के पीछे दो राज है, याद रखना। सबसे पहले तो चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल, चार्ज होने के वजह से वन पार्टिकल टेंड टू रिपेल अदर पार्टिकल, एंड सेकेंडली सॉल्वेशन ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज इन द डिस्पर्शन मीडियम। अगर इन दो फैक्टर को हटाया जाए तो लायोफिलिक सोल का प्रेसिपिटेशन आसानी से किया जा सकता है, याद रखना। सो ड्यू टू चार्ज ऑन पार्टिकल्स, ड्यू टू चार्ज ऑन पार्टिकल्स एक्सटेंसिव सॉल्वेशन लायोफिलिक लायोफिलिक सोल्स आर स्टेबल। यानी लायोफोबिक सोल के मुकाबले लायोफिलिक सोल की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। अगर ये दोनों फैक्टर हम हटा देते हैं तो उनका कोयागुलेशन आसान हो जाएगा, याद रखना। सो व्हेन दीज टू फैक्टर्स आर रिमूव्ड, व्हेन दीज टू फैक्टर्स आर रिमूव्ड, लायोफिलिक लायोफिलिक सोल कैन बी कोयागुलेटेड कोयागुलेटेड। अब ये दो चीजें हम किस प्रकार से हटा सकते हैं? हमारे पास इसके लिए दो रास्ते हैं, याद रखना। सो दिस कैन बी डन बाय फॉलोइंग वेज। हमारे पास दो रास्ते। अब इसमें से सबसे पहला रास्ता, रास्ता नंबर वन, इसमें हम क्या करेंगे? बाय एडिंग सूटेबल सॉल्वेंट टू द लायोफिलिक सोल। सो पहला क्या, बाय एडिंग सूटेबल सॉल्वेंट टू अ लायोफिलिक सोल। अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हाइड्रोसोल है, तो उस हाइड्रोसोल में हमें क्या करना होगा? अल्कोहल या एसीटोन को डालना होगा। अल्कोहल या एसीटोन को अगर हाइड्रोसोल में हम डालते हैं तो डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स का डिहाइड्रेशन होगा, और डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल के डिहाइड्रेशन के वजह से हम थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट यूज करके उसको आसानी से प्रेसिपिटेट करा सकते हैं। सो हाइड्रोसोल्स हाइड्रोसोल्स कैन बी कोयागुलेटेड बाय एडिंग अल्कोहल और एसीटोन। अब इसमें क्या होगा कि अल्कोहल और एसीटोन, याद रखना, अल्कोहल और एसीटोन ब्रिंग अबाउट डिहाइड्रेशन ब्रिंग अबाउट डिहाइड्रेशन ऑफ डिस्पर्स्ड फेज विच कैन बी इजीली कोयागुलेटेड लेटर बाय यूजिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। स्मॉल अमाउंट ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रोलाइट, ऐसी बात है। और दूसरा जो रास्ता हमारे पास है वो है बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। हमें पता है कि अपोजिटली चार्ज्ड आयन ऑफ एडेड इलेक्ट्रोलाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोयागुलेशन। हमें ऐसा इलेक्ट्रोलाइट चूज करना होगा जिसमें का जो इफेक्टिव आयन होगा उसका कोयागुलेटिंग पावर ज्यादा हो, ताकि कोयागुलेशन इफेक्टिवली हो सके। सो सेकेंड मेथड इज बाय एडिशन ऑफ
इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट जो हम ऐड करेंगे उसका जो अपोजिट आयन होगा दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कोयागुलेशन ऑफ द लायोफिलिक कोलाइट। लेकिन आयन का कोयागुलेटिंग पावर इफेक्टिव होना चाहिए। और याद रखना लायोफोबिक सोल के मुकाबले लायोफिलिक सोल का कोयागुलेशन डिफिकल्ट होता है क्योंकि इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। सो इट वॉज ऑल अबाउट कोयागुलेशन ऑफ लायोफिलिक सोल्स।